अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आज 2 तारीख है और 2 तारीख को आज क्या था वो भी आपको पता है। जैसे कि आज कोर्ट में, जेवल कोर्ट में सीमा का, लप्पू का, ये सब का चैनल बंद होने का आज दिन था, जहाँ पर हमारा मुकदमा चल रहा है, मोमिन मलिक ने लगवाया था। तो आप सब इंतज़ार कर रहे हैं वो न्यूज़ के लिए। तो जैसे कल भी मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 90% तो हमारे ही हक में होगा फैसला, और उसी हिसाब से हम लोग कल खुशियां मना रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि हमें पक्की खबर मिल जाए। तो कल मोमिन मलिक का लाइव था तो उन्होंने यही कहा कि ऑलमोस्ट 101% हमारे ही फेवर में है और सीमा का चैनल बहुत जल्द बंद हो जाएगा। बस वो एक ऑर्डर के लिए रुके हैं, ऑर्डर जैसे ही जारी होगा तो वो ऑर्डर डिक्लेयर करेंगे, और उसके पहले वो कुछ ऐसा डिक्लेयर करना नहीं चाहते हैं। बस उन्होंने यह कहा है कि 101% उसका चैनल बंद हो जाएगा। तो अभी मोमिन मलिक की बात पे तो हमें 101% यकीन है, वो जो बोलते हैं करके दिखाएंगे और उन्होंने जो बोला है वो होगा ही होगा। फिलहाल ये सीमा भगोड़ी और लप्पू और उसकी पूरी फैमिली कल लाइव आए थे और फिर से पागलपंती कर रहे थे। उनकी पागलपंती की कोई हद नहीं है। जो मोमिन सर के खिलाफ इतना बोल रहे थे, इतना बदतमीजी कर रहे थे लप्पू और सीमा, जिनकी कोई हद नहीं है। ये सीमा अंगूठा छाप, देशद्रोही, ना वो अपने पाकिस्तान की हुई ना वो हिंदुस्तान की हुई। हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप है, उसे पता नहीं है कि अपने से बड़ों की कैसी इज्जत की जाती है। मोमिन मलिक सर इतने एक वकील हैं, इतने उम्दा वकील हैं, उनकी कैसे, किस तरह उनसे बात करती है, किस तरह तू तड़ाके से बात करती है उनके खिलाफ, शर्म नहीं आती। सिर्फ वो एपी सिंह को भाई मानती है, तो एपी सिंह उसका भाई है तो दुनिया के हर इंसान क्या हुए फिर। हाँ, उसको बदतमीजी किस तरह करती है वो। हाँ, वो और लप्पू भी इतना बदतमीजी तू तू करके इसके बारे में आके लाइव में, वीडियो में इतना कुछ गंदा बोलते हैं मोमिन मलिक के बारे में कि इनको किसी ने, इनके माँ बाप ने उनको सिखाया नहीं तहजीब। हाँ, शर्म नहीं आ रही है। दो कीड़े के औकात के लोग, दो कौड़ी के। हाँ, लप्पू क्या है, दो कौड़ी का एक लेबर जात का इंसान, और सीमा अनपढ़ गवार वो भी एक लेबर जात की औरत। आज दोनों किस बलबूते पे इतना उड़ रहे हैं आसमान में, सिर्फ उनका चैनल चल पड़ा है, उनसे उनकी कमाई हो रही है। तो ये भी भूल गए थे किसकी तमीज कैसे की जाती है। बेशर्मों को शर्म नहीं आती। अगर सीमा तू मेरा चैनल देख रही है, लप्पू तू भी देख रहा है, जिसकी जबान नहीं खुलती थी, आज उसकी जबान इतनी खुल रही है कि आकर लाइव पे उनके लिए हंसी उड़ाता है, उनकी उनकी बातें नकल करता है, उनको तू तू बोलता है, बदतमीज, तुम लोग को शर्म नहीं आती है। सीमा, तेरी बेशर्मी की हद नहीं है। मोमिन मलिक सर ने तुझे कितने बार बोला है कि पर्सनल अटैक मत कर, फिर भी बदतमीजी से तू लाइफ में आती है, उनके बारे में इतना भला भला बोलती है। क्या बोलती तू कल, क्या बोलती है? हाँ, किसे बोलेंगे बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ तो करते नहीं है और हंस रही है। अरे कहाँ से तेरी हंसी आती है, शर्म नहीं आती है, बेशर्म कहीं की। जिस दिन तू जेल के सलाखों के पीछे होगी, जब तुझे बोलना पड़ेगा कि मोमिन मलिक सर तुमने बहुत अच्छा कर दिया, सही कर दिया, जो बोलते थे ना वो तुमने कर दिखाया, जब तो ये अल्फाज बोलेगी। अभी तो बहुत हंसी छूट रही है, बहुत हंसी छूट, लाख व्यू आने के लिए लाइव आ रही है, रोज लाइव आ रही है, डेढ़ डेढ़ घंटा, एक एक घंटा बैठ रही है सिर्फ लाख व्यू आने के लिए। मन में जो चाहा वो बोल रही है, मन में जो चाहा वो बोल रही है। और जो बदतमीज लोग हैं, जो तेरे क्या बोले तलवे चाटने वाले लोग तेरे चैनल पे आते हैं, तेरी वाह वाह करते हैं, और वही लोग हमारे चैनल पे आके हमें उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, क्योंकि तेरे गुलाम बन गए हैं ना, तूने इनके लिंक को प्रमोट किया है, इनके चैनल को प्रमोट किया है ना। सब रघुपुरा के लोग, तू जैसी है तेरे रघुपुरा के लोग भी वैसे ही हैं, बस वही तेरे तलवे चाट रहे हैं, बदतमीज, शर्म नहीं आती है। देखते आज तू देख लेना तेरा चैनल कैसे बंद नहीं होता। क्या बोलती है तू कि अकाउंट तो मीना का है, मीना का अकाउंट है, मीना का सब कुछ है, तो उसके चैनल पे, उसकी वीडियो पे हम वीडियो क्यों नहीं बना सकते हैं? अच्छा, तू कुछ भी गंदगी आके करेगी, किसको भी कुछ भी बोलेगी और हम देखते रहेंगे? मीना का अकाउंट हो या किसका भी अकाउंट है, तू कुछ नहीं कर सकती किसके वीडियो पे आकर। और क्या हो गया जावेद का, दुबई वाला जावेद, हाँ सेवाल, उसका क्या होगा, जिसको तू फोन करके बोल रही है जावेद को बोल दे मेरे बारे में कुछ ना बताए, सेवाल को तू फोन करके बता रही है। जावेद को तूने ब्लॉक कर दिया, उसके व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया, उसके कॉल ब्लॉक कर दिया, क्यों? बहुत मोमिन मलिक को तो जवाब दे रही है, जावेद को जवाब देके दिखा, देखी नहीं उसका वीडियो? हाँ, दूसरा यार तेरा आ गया, दुबई वाला यार, और तुझे क्या क्या बोल रहा है, तुझे मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला है, तुझे मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला है। तेरी हर वो वीडियो जो ट्रक में तूने कांड की है ना, वो सब तेरे रिलीज करने वाला है वीडियो बहुत जल्द। हाँ, क्या बात है, तू उसके बारे में अब तक कुछ बोली नहीं? हाँ, उसका जवाब देके बता, कौन है जावेद,
क्या तेरा रिश्ता है उसके साथ, बता जरा कि मोमिन मलिक सर के पीछे पड़े, वो तो वकील है, वो अपना काम कर रहे हैं, जैसा एपी तेरे पीछे पड़ा है तेरे को बचाने के लिए, वैसे मोमिन पड़ा है हैदर को बचाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तेरी क्यों जल रही है, तेरी तो जल के खाक हो गई जब से किंजा आई है, और कितना जलेगी और कितना जलेगी, बेशरम कहीं की बेहया। हाँ बता, वो जावेद का जवाब दे, जावेद का जवाब दे, कौन है ये जावेद, हाँ क्या कांड की थी तुमने ट्रक में उसके साथ, हाँ बता जरा। और तू बोलती मेरा पाकिस्तान से किसी से कोई रिश्ता नहीं, ना भाई से ना बहन से ना किसी से, क्यों तेरी बहन तेरे से चैट कर रही है, क्यों तू उससे चैट कर रही है, देख तेरे चैट कैसे वायरल हो गए, किन जाने तेरे चैट कितने वायरल किए, कितने पढ़ के सुनाए हैं, कितनी लंबी लंबी दास्तान है तेरी और तेरी बहन की। औलाद नहीं है ना तो तू सच बताएगी कि तू सीमा से अपनी रीमा से चैट करती है और क्या क्या चैट करती है, तू खुद बताएगी, सबको बोलती कुछ चोरी पकड़े, कुछ भी चोरी पकड़े, तू सब चीज को नाकारती है। हाँ अब तेरे चैट इतने वायरल हो गए, बोल ना कि मैंने चैट नहीं किया रीमा के साथ, बोल ना कि मैंने कोई और चैट किया है, बता हाँ, या तेरा कोई खेल है, ये भी कोई एक खेल है कि रीमा से चैट करना, फिर रीमा को बोलना कि मेरे चैट वायरल कर दे, पता नहीं क्या क्या गेम खेल रही है। हाँ सब तेरा गेम निकलेगा, तू सबर कर, तेरा गेम निकलेगा। तू क्या बोलती, मैं सनातनी हूँ, मैं सचिन की बीवी हूँ तो मेरा हक बनता है, मैं भी हिंदुस्तानी हो गई है, अरे शर्म करो ना, सचिन भी तो हिंदुस्तानी है, उसका सपोर्ट करो ना, हैदर का सपोर्ट क्यों करते हो, क्यों, हमारी मर्जी, जो सही इंसान है मैं उसका सपोर्ट करेंगे, हैदर सचिन का बात नहीं है यहाँ, जो सही है सच्चा है उसका ही हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सचिन का सपोर्ट करो ना, क्यों, सचिन का दूध का धुला है, तू चार बच्चे वाली माँ को लेके बैठा है अपने बगल में, हाँ किसी का घर तोड़ के किसी के घर में आग लगा के हम उसका सपोर्ट करेंगे, हाँ मुंह से इतना गंदा निकलेगा ना, बेशरम लाइफ में आके सिर्फ हस्ती छक्केगिरी करती है, छक्की कहीं की जाके थोबड़ा देख अपना आईने में, छक्की लगती पूरी छक्की जब हस्ती है तो, हाँ ठाकुर ने हिजड़े की फौज लगाया है ना, हंस रही है बेशरम, बोलने ही नहीं देती, अभी तो उसकी जबान खुली, अभी तो बच्चा बोलना सीखा है, और सीमा फिर भी अभी भी इसको दबा रही है, सीमा आगे बढ़ के बोलना चाहती है, सीमा का तो मुंह रुकता ही नहीं है, और सचिन को बोलने देती नहीं है, और सचिन की इच्छा इतनी बोलने की पता नहीं, हाँ बोलना सीख गया तोतला, ततीन और ततीन क्या बोलना चाहते, बोलो अभी बोलो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो ततीन तो जरूर बोलना, कुछ ना कुछ तो बोलना, हाँ सीमा और तू छक्के की तरह हंसना, ठीक है, खासकर मैं तुम लोग को टैग करूंगी ये वीडियो को। तो फिलहाल फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ये बदतमीज की कितनी बात करे उतनी बात कम है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि फैसला हमारे ही हक में होने वाला है, और मोमिन मलिक आज बहुत खुशखबरी देंगे, सिर्फ और सिर्फ वो वेट कर रहे हैं ऑर्डर हाथ में आने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं ऑर्डर जब तक हाथ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको खुशखबरी इतनी नहीं दे पाऊंगा, पर 100% हमारे ही हक में है, ऑर्डर मिल चुका है, बट उसकी कॉपी रिलीज होने बाकी है, जैसे कॉपी आएगी वो लाइव में आके सबको खुशखबरी देंगे, और हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों को खुशखबरी देने के लिए। तब तक के लिए बाय, अपना बहुत सा ख्याल रखना और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना, खुदा हाफिज़।